गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो। और आज मैंने किया था पूरा का पूरा वॉशिंग और यहाँ सुबह सुबह फिर से वेलकम है मेरे चैनल में। आई एम पूजा ब्लॉगर और बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको। मैं देख रही हूँ रिस्पॉन्स के साथ देख रही हूँ आपको, मेरी वीडियोज़ भी बहुत अच्छी लगती है। कॉमेडी वीडियो मैंने शूट की है तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं खा रही हूँ खुशी खुशी में लड्डू। और शिवा आज नहीं गया, शिवा का है आज ऑफ क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली है और उसका एग्जाम है, तो उसलिए उसने एक अब्सेंट आज ले ली है। और यहाँ मैंने पूरा वॉशिंग एरिया कर दिया है, वहाँ भी मेरा मंदिर वगैरह सब डेकोरेट हो चुका है। तो चलिए, कितने सुंदर सुंदर व्लॉग्स देख ही रहे हैं आप मेरे मायके के। और आगे भी मैं बहुत अच्छी वंडरिंग में जाने वाली हूँ, वैष्णो माँ के दर्शन जानेंगे करने के लिए, तो वो भी आप देखते रहिए और मुझे इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक आई हूँ और आगे भी जाऊंगी। तो ये मेरा फेवरेट पैलेस, तो चलिए करते हैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बन रहे हैं सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े। ये आलू बन गए और वहाँ पर धनिया हमने काट लीजिए है। और सुबह सुबह पहली बार ब्रेड पकौड़े की तैयारी मॉर्निंग में। हाँ, चाय पी ली है, अब आलू उबालेंगे, घर के ही बनाएंगे। सोनी रुपया स्पेशल टू यू, कल बने थे पनीर प्याज के पराठे और अब मॉर्निंग में आलू पकौड़े के पराठे। सोनी रुपया ब्रेड और हम सब तैयारी ब्रेड पकौड़े। Join us everyone, बहुत यम्मी एंड टेस्टी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दो मेरे होंगे, दो दिन साथ होंगे ऐसे, मतलब खाओ फिर बाद में जो बचे उस मसूर रहेंगे। और यहाँ ये जो घर देख रहे हैं ये है मेरी चाची का घर। और हम आ गए हैं अपनी चाची के यहाँ पर। ये इनके यहाँ पे हुई थी दो दो बेटियाँ मेरे भाई के, दो भाई हैं मेरे लोकेश और रोहित चाचा के बेटे, तो उन्हीं के लिए मैं आई हूँ इनका गिफ्ट देने के लिए। चलते हैं घर पर, चलते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है जिनके लिए हमारे ब्रेड पकौड़े कम रह गए थे उनके लिए बनाऊंगी, फिर कपड़े चेंज करूंगी घर पर। बस यही चलता रहता है मेरे मायके में। सुंदर सुंदर सी रील्स आपको मिलेंगी पूजा सुनील शर्मा के अकाउंट पे इंस्टा की। और ये वॉलपेपर वगैरह हमारे घर में जो पीवीसी पैनल लगे हुए हैं उसी का डिज़ाइन दिखा रही थी मैं आपको। देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन हैं, किसी को कलेक्शन भी कलेक्ट करना हो तो इंस्टा पर जाके मेरी रील्स चेक आउट कर सकते हैं मेरे घर की। तो चलिए करते हैं एंजॉय। तो जो ब्रेड पकौड़े बच गए थे ना, अब जो जो मतलब घर फैमिली में से बच गए थे बोलो, उसके बाद हम जाएंगे हमारी
और अगर ना उस दाल में तड़का ना लगो तो बताइए पेस्ट बनेगा बढ़िया सा, तब बनेगा। दाल भी उधर ही डाल दो। किसमें? ये हमारा बेसन, इसमें नमक। और कम है ऑयल? ये हम गिर दियो। तो ये तो कह रही है, कह रही है काम है करछी तो ना फिर पकड़ा रही हूँ ऊपर से चिमटा सो जाए है पकड़ा देगी ऊपर से। प्याज व्याज ना खाऊंगी, नमक खा लूंगी, कपिल का ब्रेड पकड़ा खा लूंगी, इसमें थोड़ी कुछ प्याज। कीर्ति पानी दे दे, आवाज तो बहुत काटोगी ना। क्या काटूंगी? दोबारा डालोगे? मैं तो आलू मिर्च बना रही हूँ, सब्जी तो रखी है, मैं प्याज डाली। कीर्ति, अरे यार यहाँ मैं कढ़ाई में से उतारना है, तुम मजे ले रही हो? तो जब इतने घूम रही मुझे इतना लेट आ रहा है, मुझे लो आगे खो को उतार लो, तुम भर लो इतना। लेकिन बहुत टेस्टी बनी है, पकड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे रख दूँ बाल की आज पे उस पे भी चूल्हे पे भी होगी। दूध वूध अन्य बतालू बता सीखती, फिर मैं दूध धर दूंगी, तो मैं दो आलू कटवाए मैंने या तो रोटी खा लूँगी। इनमें प्याज गिर रही है ना सब्जी में, मैं भी आलू मिर्च से खाऊंगी। हाँ चावल नहीं खाऊंगी, ब्रेड खा लूँ, सॉफ्ट से ना बहुत बढ़िया है ना। मानसी कैसे लग रही? बढ़िया लग रही, रुद्र कह रहा चटनी सो अच्छे लग रहे हैं, चटनी सो अच्छे स्पाइसी चटनी उसे चाहिए, खा लिए सुबह। मतलब जैसे ही मॉर्निंग में मैंने वो बनाए थे ना ब्रेड पकौड़े, तो मेरी भतीजी जॉब पे चली गई थी, बेटा चला गया था और भाभी व्रत थी, तो इसीलिए मैंने मतलब शाम को फिर इनके सबके लिए यहाँ पर रेडी किए। 3 से 4 जिन्होंने नहीं खाए थे ये उनके लिए बन रहे थे, क्योंकि उनका व्रत खुल जाएगा और वो भी ड्यूटी से आएगी, वो भी अब खा लेगी गरम गरम। तो घर में कोई भी जितने भी बंदे होते हैं, मेरा तो वही सिम्टेंस होता कि सबको ही मिलनी चाहिए मेरे हाथ की चीज़ जब बने। तो चलिए किया हमने इस तरह से इंजॉय अपना फुल ऑफ द डे। और मेरे से जो जो एग्री करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि मतलब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, वो गैस पे बनाते हैं बंद, उसमें मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, या जो चूल्हे पे बनाते हैं ना ओपन एरिया में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फैमिली में जब सारे के सारे लोग रहते हैं तो मतलब वो किचन आजकल ऐसी बना दी गई है, हर तरह का एडजस्टमेंट है, पैसे के ऊपर बात है। लेकिन रियल में मुझे तो जो लगता है ना, मैं तो ऑल टाइप्स यूज़ कर चुकी हूँ किचन्स, मॉडिफाई भी देखी है और यहाँ घर की भी आपने देखा ही है, मायके में भी अच्छी है। लेकिन जो किचन का स्वाद मतलब जो कुकिंग करते हैं है ना हम उस पे चूल्हे पे, उसका भाई कोई भी मुकाबला नहीं। इतनी अच्छी पकती है वो, इतनी अच्छी रेडी होती है सारी तरीके से। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे से हमारे ब्रेड पकौड़े वगैरह तैयार हो गए हैं। और कैसी लगी मेरी आज की कुकिंग इन चूल्हा साइड, आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की सुंदर सुंदर सी वीडियोस मेरी जो रहती हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। और लास्ट एंड फाइनल मैंने कर दिया है, जो बेसन बचा हुआ है उसकी बना लेंगे, बचाए हुए उसकी चीला बना लो या कढ़ी बना लो। तो लास्ट चल रहा है क्योंकि 3 रह गए थे, तीनों के लिए बना दिए। तो चलिए करेंगे इंजॉय और आगे का व्लॉग भी करती रहेंगी कंटिन्यू। बाय। पराठा काय कचौड़ी बना लो, खाओगे भैया? अभी अभी टाइम है, मामा बिजी है। अगर क्या कर रहे हैं तुम? बर्तन इन्हें ना उकल ले, अंशु भी आने वाला होएगा, होगा टाइम अंशु का? ओए अरविंद काम करो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज है हमारा 29 को आए थे हम और आज है 5 मई, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी दिन हो गए आए हुए और बस हमारी जाने की तैयारी होगी एक दो दिन में। ये रहता सुबह का हाल। गुड मॉर्निंग, एक उधर एक इधर और वो किचन में वर्क ट्राइंग। सुबह मॉर्निंग कर दो बस हम दोनों और बस मैंने सोचा कि सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू दे दूँ आपको मैका हाउस में तो अच्छा लगता है। और वो पापा वहाँ दिख रहे होंगे नीचे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे दिख रहे। और बाकी जॉब वाले जॉब चले गए सुबह सुबह। अब हम नहाएंगे धोएंगे फिर मिलूंगी आपको बाद में। कौन से सब्जी अच्छी लग रही है तनीषा? बैगन भरता। दीदी दोनों तड़का देख लो मैंने बचा भी लिया तो सही है। चाय के साथ अच्छा और भी नहीं एडजस्ट चल रहा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो नई सुबह नई शुरुआत न्यू ड्रेस के साथ। ये ड्रेस कहाँ से आई है कैसे आई है वो सब भी आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि हम आ रखे हैं मायके में। और मायके में आने का मतलब क्या होता है, एक न्यू शॉपिंग न्यू डिजाइन न्यू फेसेस। तो ये मायका हाउस आपने देख ही रखा है, मैं टूर दे चुकी हूँ वो आप देख लीजिएगा मेरे ब्लॉग में। और ये सेंस है अपनी मम्मी बेटी अभी हम देखा एक नई जगह एक नया दिन और एक नई शुरुआत आपके लिए और हम सबके लिए। चलिए फ्रेंड्स हो गए तैयार और चलिए चलते हैं। अब आ जाओ दीदी दिखाएंगे कौन कौन जाएंगे कैसे कैसे। ताजी